हेलो फ्रेंड्स, मैं जमील खान और हमारे चैनल जमील आर डॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों ये देखिए, हमारे पास एक गाड़ी आई हुई है क्लासिक रिबॉर्न। अभी नया मॉडल है, जो अभी लेटेस्ट चल रही वो गाड़ियां हैं और ज़्यादा पुरानी नहीं है। और मैं आपको मीटर दिखाता हूं कितनी चली है। सात हजार छः सौ अड़सठ किलोमीटर गाड़ी चली है और गाड़ी धुआं फेंकने लगी है। और कंडीशन इसकी देखिए, बहुत टैंक देखिए, ये सब बैंड हो गया, पचक गया है। तो ये टैंक वगैरह तो बाद में रिपेयर होगा। अभी जो प्रॉब्लम है गाड़ी में वो इंजन की प्रॉब्लम है। गाड़ी धुआं भी फेंकने लगी है, इतना फेंक रही है कि गाड़ी स्टार्ट करते ही पीछे बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है। तो मैं आपको एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ले जाओ, इधर ले जाओ। तो इसका स्पार्क प्लग भी ख़राब है, इसीलिए स्टार्ट होते ही बंद हो जा रही है। और अभी आपने देखा, सेल मैंने सेल मारा था और कितना धुआं दे रही, बहुत ज़्यादा धुआं दे रही, इतना धुआं दे रही कि स्टार्ट अगर हो जाए तो पीछे कुछ दिखाई नहीं देगा। तो इसका हम हेड ब्लॉक अभी खोलेंगे। चलिए मैं इसको खोलता हूँ और कैसे इसको खोलते हैं, कैसे इसको बांधना है, क्या क्या चीज़ें खोलनी पड़ती हैं और कैसे इसकी सेटिंग और टाइमिंग वगैरह कैसे सेट की जाती है, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो बने रहिए वीडियो पे और वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो चलिए मैं इसको खोलता हूँ, फिर दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, चलो। देखिए, हमने पिस्टन को टॉप पे कर दिया है और इसमें कोई भी निशान आपको नहीं दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स, ये खुल चुका है, देखिए पिस्टन ये हमने निकाल लिया है। तो इस प्रकार का इसका पिस्टन है। ठीक है, तो जो यहाँ पे पिस्टन पे कोई स्क्रेच वगैरह तो दिख नहीं रहे हैं। देखिए, ये इसका ब्लॉक है और इसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो इसमें है, रिंग में। अब ये देखिए, जो ऑयल रिंग है नीचे की, वो एकदम कागज़ जैसी हो गई, बहुत ज़्यादा कट गई। ये वाली तो एकदम घिसी गई है, पतली बहुत हो गई ना, बहुत ज़्यादा पतली हो गई है। तो इसकी वजह से गाड़ी आयल उठा रही है। और ये जो दो हैं ये ज़्यादा कटी नहीं है, आयल रिंग बहुत ज़्यादा कट गई, इसकी वजह से गाड़ी बहुत ज़्यादा धुआं दे रही है। तो इसकी रिंग तो अलग से मिल नहीं पाई, इसलिए हमें इसका ब्लॉक पिस्टन असेंबली चेंज करना पड़ेगा। तो ये ब्लॉक किट आ चुकी है और इसका पार्ट नंबर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, तो इसका पार्ट नंबर देखिए, KLJ0018/A पार्ट नंबर है और इसका जो MRP है वो 7000 है। ठीक है, तो ये इसकी MRP है और ये जेन्युइन ब्लॉक पिस्टन असेंबली है इसकी। तो इसको अब खोलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं।
तो ये इसकी ब्लॉक पिस्टन असेंबली है, इसको अब गाड़ी में फिट करते हैं और कैसे इसको अब फिट करना है और इसकी टाइमिंग वगैरह कैसे सेट करते हैं ये सब अभी आपको आगे वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो बनी रहिए और मैं इसको बांधना स्टार्ट करता हूँ और दिखाता हूँ कैसे बनती है टाइमिंग चेन वगैरह इसका कैसे सेट किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये दो डावल्स लगाएंगे, एक यहाँ लगेगी और एक यहाँ लगेगी। ये डावल्स हमने लगा दिए हैं। तो उसके बाद ये ब्लॉक पैकिंग लगेगी, तो चलिए इसको फटाफट लगा लेते हैं। तो इसका जो ये वाला हिस्सा है ये इस साइड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दो होल हैं, तो ये यहाँ पे देखिए होल बड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको ऐसे लगाना है। अभी इसका इंजन ऑयल का कोई पैक अलग से नहीं आया है, यही वाला इंजन ऑयल पड़ता है जो यूसी इंजन में इंजन ऑयल पड़ता था। तो अभी 2.5 लीटर का ही पैक आता है, पर इसमें 1 लीटर 700 ग्राम पड़ता है इंजन ऑयल। अगर आप इसका इंजन खोलते हैं, इंजन खोल के रिपेयर करते हैं, तो जब आप फर्स्ट टाइम डालेंगे तो 2 लीटर 200 ग्राम पड़ेगा। पिस्टन के जो ये लॉक लगे हुए हैं दोनों साइड, एक साइड का पिस्टन का लॉक हमें निकालना है। ये इसका लॉक है, इसको हमने निकाल दिया बाहर, और अब ये पिन बाहर निकालते हैं। तो चलिए अब इसको लगाते हैं। तो ये पिन लगा दिया है, अब लॉक हमने निकाल दिया था उस साइड का, तो लॉक उसका लगा लेते हैं उस साइड का। तो लॉक लगाने से पहले यहाँ से कपड़ा वगैरह लगा लें इसके अंदर, ताकि लॉक लगाते समय ये कहीं अंदर ना चला जाए धोखे से। तो लॉक जब बैठेगा तो हल्की सी किट से आवाज़ आएगी, और लॉक बैठने के बाद थोड़ा सा इसको घुमा के ऐसे देख लें। तो पिस्टन के दोनों साइड के लॉक लग चुके हैं, अब ब्लॉक इसके ऊपर लगाते हैं। तो ब्लॉक लगाने से पहले हमें इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लगाना है, ताकि ये पिस्टन जो है लुब्रिकेट हो जाए अच्छे से। अब थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर भी लगाना है। तो ये ऑयल हमने इसके अंदर लगा लिया है, अब हमें इसको लगाना है इसमें। तो इसको बैठाते समय हल्का सा ऐसे ऊपर रखेंगे और रिंग एक एक करके रिंग को बैठालना है ब्लॉक के अंदर आराम से, ताकि रिंग डैमेज ना हो। तो जो पिस्टन और रिंग है वो ब्लॉक के अंदर बैठ चुका है, इसको हमें अंदर दबाना है। तो उससे पहले जो टाइमिंग चेन है इसको हमें अंदर से डाल के ऊपर खींचना है, ताकि ये सही से बैठ जाए ब्लॉक। तो ये वाले जो डावल्स हैं ये ब्लॉक के अंदर बैठा देना है। तो ये देखिए यहाँ पे बैठ चुका है पूरा ब्लॉक। और जो जेन्युइन पैकिंग होती है उसका ये खासियत होती है कि नया जब आप लगाते हो ब्लॉक वगैरह, तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि ये दोबारा खोला गया है। तो ब्लॉक हमने बैठा दिया है, अब इसको पिस्टन को टॉप पे लाते हैं, उसके बाद चैन गेट लगा के फिर इसको आगे का काम जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये इसकी चैन गाइड है। तो चैन गाइड बैठ चुकी है, उसके बाद ये दो डावल्स लगाने हैं, एक यहाँ पे लगेगा और एक इस साइड लगेगा। उसके बाद ये हेड गैस्केट लगेगी, तो ये हेड गैस्केट लगा लेते हैं। तो हेड गैस्केट का जो ये वाला होल है ये इस साइड रहेगा, और ये ऐसे डावल में ऐसे बैठ जाएगी, ठीक है। तो हेड गैस्केट लग चुकी है। तो इसका जो हेड है ये हम रिपेयर नहीं करा रहे हैं, क्योंकि हेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लॉक का प्रॉब्लम था, जो गाड़ी धुआं दे रही थी तो उसका रिंग कटा था, इस वजह से धुआं दे रही थी। हेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही बांध रहे हैं, और इसको थोड़ा सा स्प्रे से साफ़ कर लेते हैं।
स्प्रे हमने डाल दिए और इसको उसके बाद कपड़े से पोंछना है। ज़्यादा इसमें पेचकस वगैरह लगा के इसको खुरचना नहीं, नहीं तो ये फिर प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि इससे वाल का जो सीट है वो डैमेज होने का खतरा रहता है, तो फिर वाल लीक करने लगता है। तो अब ये हेड हम इसके अंदर बांध रहे हैं। एक चीज़ का खास ध्यान रखें, कोई बॉन्ड वगैरह नहीं लगाया है और इसमें लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी से नहीं लग के आता है, कोई भी बॉन्ड कहीं भी लग के नहीं आता है, तो हमें भी नहीं लगाना है, क्योंकि अगर इसमें बॉन्ड लगाएंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। दूर से ही पता चलता है कि इंजन खुल चुका है, और दूसरी बात इसके जो अंदर ऑयल पम्प के होल वगैरह हैं उसमें ट्यूब फंस सकता है, तो उससे ऑयल पम्प प्रॉब्लम कर सकता है। तो हेड देखिए बैठ चुका है, और अब ऊपर के जो बोल्ट वगैरह हैं उनको टाइट करेंगे। तो हेड को बैठाने के बाद ये चार बोल्ट लगेंगे, और उसके बाद दो बोल्ट ये लगेंगे 10 नंबर के। तो एक एक करके सब लगा लेते हैं। एक यहाँ लगेगा, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हमने लगा लिया, ये चौथा वाला भी हमने लगा लिया यहाँ पर। तो हेड के सभी बोल्ट टाइट हो गए, टोटल 6 बोल्ट होते हैं, 6 बोल्ट हमने टाइट कर लिए हैं। अब इसके बाद हमें कैम लगाना है। इससे पहले जो हमने कैम के नीचे से आधा वाशर कटा हुआ निकाला था, इसको लगाना है यहाँ पे, ऐसे इसको यहाँ पे लगाना है, लग गया। इसके ऊपर अब कैम लगाएंगे। उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा इंजन ऑयल डालना है, ताकि यहाँ पर लुब्रिकेशन प्रॉपर आ जाए और कैम जो है वो सूखी ना चले, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे तो 1-2 सेकेंड लगता है ऑयल पहुंचने में, तब तक ये ऑयल काम करेगा। तो अब ये कैम है, इसको हमें लगाना है ऐसे, यहाँ पे इसको लगा देना है। जो ये वाशर है इसकी वजह से कैम आगे पीछे नहीं होती है। यहाँ भी थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। उसके बाद ये रॉकर हैं, इनको हमें फिट करना है इसके अंदर। इसमें ये डावल्स लगे हुए हैं, अब इसको सिर्फ हमें ऐसे बैठालना है, ये ऐसे फिट होगा चुका है। अब इसके अंदर 4 बोल्ट लगाने हैं, तो ये इसके बोल्ट हैं, तो इसको इसमें फिट करना है। ये बोल्ट टाइट हो गए हैं। अब इसके बाद अब टाइमिंग स्पार्किट लगा करके टाइमिंग को सेट करेंगे। तो टाइमिंग जो है ये, तो हमने स्पार्किट खोला था तो आपको बताया था कि ये QR कोड जो देख रहे हैं ये इस तरफ था, और जो रॉयल एनफील्ड लिखा था ये उस तरफ था, और जो देखिए यहाँ पे L लिखा हुआ है ये नीचे की साइड था, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसको फिट करेंगे। अब ये केम इधर उधर ना घूमे, उसके लिए हमें एक स्पेशल टूल लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये इसका स्पेशल टूल है, इसका पार्ट नंबर देखिए ये वाला है, ये पार्ट नंबर है। तो अगर आपको मंगाना हो तो आप इस पार्ट नंबर से मंगा सकते हैं इसको। तो इसको हमें यहाँ पे लगा देना है ऐसे, ऐसे लगा करके, और ये ऊपर से डाल देंगे ऐसे, तो जो कैम है वो लॉक हो जाएगी, फिर कैम इधर उधर आगे पीछे नहीं घूमेगी।
देखिए यहाँ पे के में DTC लिखा हुआ है, DTC हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है। और वहीं पे ये जो स्पेशल टूल है इसको हमें लगाना है उसमें, तो DTC ऊपर है और अब टाइमिंग स्पार्केट को हमें लगाना है। तो देखिए टाइमिंग हमने सेट कर दी है, अभी बोर्ड लगाना बाकी है। तो देखिए जो ये निशान है रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है, ये इस साइड है और ये एक बार कोड बना हुआ है, ये इस साइड है। जब हमने टाइमिंग खोली थी तो आपको दिखाई थी कि रॉयल एनफील्ड इस तरफ लिखा हुआ है, J1 इधर लिखा हुआ है, ये वाला जो होल है ये ऊपर की साइड था, और ये जो यहाँ पर DTC अभी हमने आपको दिखाया कि यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, ये ऊपर रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें केम को रखना है और स्पार्केट इस पोजीशन में रहेगा, और ये जो खांचे आप देख रहे हैं बड़े बड़े, इसके बीचों बीच सेंटर में बोर्ड लगेगा, ठीक है। इधर उधर स्पार्केट नहीं रहेगा, इसको बीचों बीच सेंटर में यहाँ पे बोर्ड लगेगा, और जितना इस तरफ गैप है उतना ही इस तरफ गैप रहेगा, मगर इतने पे हमें इसको टाइमिंग को सेट करना है। तो ये टाइमिंग सेट हो चुकी है और अब हम यहाँ पर बोर्ड लगाएंगे, 3 बोर्ड इसमें लगेंगे, तीनों बोर्ड लगा करके इसको टाइट करते हैं, ठीक है। और इसमें ये लॉक टाइट लगाएंगे ताकि बोर्ड जो है वो अपने आप ढीला ना हो, क्योंकि ये बोल्ट ज़रा सा भी लूज हो गया ना तो टाइमिंग तुरंत आउट हो जाएगी और वाल वगैरह तोड़ सकती है। तो ये सब में हमने लॉक टाइट लगा लिया है, अब इसको बांधते हैं, ठीक है। तो केम इधर उधर ना हो इसीलिए ये टूल दिया गया है, अब ये आसानी से इसको टाइट कर सकते हैं। अगर ये टूल नहीं होगा तो केम को रोकेंगे कैसे टाइट करते समय, अगर यहाँ मैग्नेट पकड़ के रोकेंगे तो टाइमिंग आउट हो जाएगी यहाँ से, इसलिए ये स्पेशल टूल होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हमने टाइट कर लिया है, अब मैग्नेट को घुमा करके दूसरा बोर्ड लगाना है। अब ये वाला जो पिन है इसको निकाल लेते हैं। तो टाइमिंग के बोल्ट पूरे टाइट करने से पहले हमें ये टेंशनर लगा लेना है ताकि टाइमिंग चेन टाइट हो जाए, उसके बाद आसानी से सभी बोल्ट को टाइट कर सके। तो इसको खोल करके स्प्रिंग को बाहर निकालना है, तभी ये लगेगा, नहीं तो ऐसे लगेगा नहीं। अब ये लॉक है, इसको दबा करके इसको अंदर करना है और ये अब आसानी से लग जाएगा। ऐसे 2 एलंकी बोल्ट इसमें लगेंगे ये। अब ये बोल्ट हम लगाएंगे ताकि स्प्रिंग की वजह से टाइमिंग टेंशनर खुल जाए और टाइमिंग चेन टाइट हो जाए। तो सभी बोल्ट इस पॉकेट के हमने टाइट कर लिए हैं और ये है इसकी टाइमिंग। तो अब मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ कि टाइमिंग इसकी कैसे सेट करनी है। देखिए सबसे पहले आपको पिस्टन को टॉप पे कर लेना है, जब पिस्टन टॉप पे हो जाए उसके बाद पिस्टन टॉप पे कैसे करना है वो उधर से प्लग खोल करके वहाँ से आप देख सकते हैं, जब टॉप पे आ जाए या फिर पतला पेचकस से ले करके ऐसे रखना है ऐसे पिस्टन के ऊपर, और कुछ करना नहीं है, नहीं तो वाल टेढ़े सकते हैं। तो ऐसे ही रखना है और देख लेना है कि पिस्टन टॉप पे है या नहीं है, ठीक है। तो जब सबसे पहले पिस्टन को टॉप पे कर लेना है, ये टूल है जो इसको यहाँ पे लगा लेना है, और ये केम का जो होल है ये DTC ये वाला केम का होल ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये टूल लगा करके इसको ऐसे लगा लेना है तो केम अपनी पोजीशन पे आ जाएगी, सही पोजीशन पे। उसके बाद जो स्पार्केट है उसको हमें लगाना है बीचों बीच पे, इधर जितना गैप है उतना ही गैप इधर है, ठीक है। बीचों बीच में ये बोल्ट टाइट किया है हमने, ठीक है, इसी प्रकार से टाइट होगा। तो जब इसको आप टाइट कर देंगे तो सारे बोल्ट अपने जगह पर आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये रॉयल इनफील्ड का लोगो आप देख रहे हो, ये लोगो इस तरफ है और एक बार कोड बना हुआ है इस तरफ है, ठीक है। तो अब इसकी टाइमिंग जो है वो सेट हो चुकी है, तो इसी प्रकार से आप टाइमिंग सेट करें, जब भी आप खोलेंगे इस गाड़ी को तो उसमें आप इस प्रकार से टाइमिंग सेट कर सकते हैं। और इसका जो मैग्नेट है इसमें आपको कहीं पे कोई निशान नहीं मिलेगा कि आप इसको मैग्नेट को देख करके टाइमिंग को सेट कर पाएँ, ऐसा कोई इसमें सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो आपको पिस्टन को टॉप पर रख करके इसको टाइमिंग को सेट करना है, बस इतना ही है, ठीक है। तो अब ये हमने इसको टाइमिंग को सेट कर दिया है, अब यहाँ पे बीडिंग लगाएंगे
बॉन्ड लगा करके उसके बाद इसका ऊपर का जो कवर है उसको बांधना है, और टाइपिट भी अगर सेट करना है तो ये टूल्स आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो टूल्स आपके पास होने ही चाहिए। तो इसमें मैंने पार्ट नंबर दिया हुआ है, पार्ट नंबर से आप मंगा सकते हैं। और टाइपिट भी सेट करना है तो इसको वैसे DTC पे सेट कर लीजिए टाइमिंग को, उसके बाद दोनों टाइपिट जो है इसको आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बॉन्ड लगता है, ये जो बीडिंग है यहाँ पे, ताकि लीक ना करे ये ऑयल यहाँ से, तो इसमें हमें ये बॉन्ड लगाना है। और कोई बॉन्ड हमें जो यूज़ करना है वो ये रॉयल इनफील्ड का हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये बीडिंग हमने इसमें लगा ली है और यहाँ पे ट्यूब लगा ली है, अब इसको कवर को बांधते हैं। तो कवर को हमने रख दिया, अब यहाँ जो प्लेट लगती है उस प्लेट को लगाएंगे और ये ऊपर के बोर्ड लगाएंगे। उसके बाद ये तीन बोर्ड लगेंगे हेड कवर के, तो एक एक करके सब लगा लेते हैं। सभी बोर्ड एक साइज के हैं, कोई भी आप कहीं भी लगा सकते हैं। उसके बाद ये प्लेट लगेगी और ये दो बोर्ड लगेंगे इसके। अब ये टाइट हो चुका है, अब इसका इंजेक्टर जो है यहाँ पे लगता है, वो इंजेक्टर लगा लेते हैं। तो ये इसका इंजेक्टर है और ये पाइप सही थे इसके साथ, तो इसको अब लगाते हैं इसके अंदर। तो ये डायरेक्टली पिस्टन के ऊपर ही समझ लो एकदम स्प्रे करता है, स्पार्क प्लग के पास। उसके बाद हम ये इंजेक्टर का कपलर लगाना है, तो इसका कपलर वाइट कलर का है, ये याद रखिएगा लगाते समय। और ये इसका जो एक वायर है ये ऑरेंज कलर का है और एक है ब्लू और ग्रीन, तो इसको ऐसे लगा करके थोड़ा दबाना है तो ये बैठ जाएगा। जब बैठेगा तो किट से आवाज़ आएगी, तो समझ लीजिएगा बैठ गया है। तो इसका और सब कुछ हमने फिट कर दिया, हेड ब्लॉक वगैरह सब कंप्लीट हो गया है। अब इस साइड का जो स्पार्क प्लग और ST कॉइल और टैंक वगैरह बांधना है, तो इसको बांध लेते हैं, उसके बाद फिर गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। ये स्पार्क प्लग है, ये इसमें ये वाला प्लग लगा हुआ था और अब ये लगा रहे हैं, क्योंकि ये शॉर्ट हो चुका है प्लग, और ये इसके नाम से प्लग हमें मिला नहीं, तो ये एक प्लग मैं लेके आया हूँ। ये कार का प्लग है, चूड़ी और इसकी जो लंबाई है वो सब सेम है, पर फर्क इतना है कि इसकी जो ये निपुल है ये मोटी है और इसकी ये पतली है, ठीक है। तो अब फिलहाल हम इसी को लगा रहे हैं, और इसका प्लग जो कैप है वो है तो कार का मिलेगा तो लगा देंगे, या फिर इसी को ऐसे ही फिलहाल के लिए रख करके गाड़ी स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में देखेंगे क्या करना है। इसका प्लग ऐसे ही फंसा दे रहे हैं, पहले ये सब बांध लेते हैं, उसके बाद प्लग को टाइट करेंगे। पूरा हमने बांध दिया, टैंक वगैरह सब फिट कर दिया है गाड़ी के अंदर। अब बारी है स्टार्ट करने की, तो चलिए चाबी ऑन करते हैं। सबसे पहले ये किल स्विच यहाँ से ऑन करते हैं, अब ऑन हो गया है, ठीक है। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट टाइम ही स्टार्ट कर रहे हैं, अभी इससे पहले हमने स्टार्ट नहीं किया है इंजन बांधने के बाद, ठीक है। देखिए एक ही सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, और इसका साउंड सुनिए आप, लेके आओ इंजन के पास। इस तरफ लेके आओ,